पर इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम से जुड़ी हुई, जहां पर आज मनोहर लाल की सौगात पूरे गुरुग्राम वासियों को मिलने जा रही है। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम का आज का दौरा रहने वाला है और ऐसे में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर इको सिस्टम की आज शुरुआत मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। दो परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल और ऐसे में रिहायशी इलाके में जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया जाना है, जो कि कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम। तो गांव जमालपुर में सभा का आयोजन किया गया है तो सभा में भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल और ऐसे में सीएम मनोहर लाल का आज का गुरुग्राम का दौरा बताया जा रहा है और बड़ी सौगात आज गुरुग्राम वासियों के नाम करने जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ दीपक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो आज गुरुग्राम का दौरा सीएम का बताया जा रहा है तो ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज गुरुग्राम में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अभी हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्योंकि दिल्ली में मौजूद है, कुछ देर के बाद गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 बजे गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में एक गए मार्केट है, जहाँ से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम परिवर्तन रखा गया है। परिवर्तन इसलिए कि पोल्यूशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की शुरुआत जो है ये की जा रही है। ये 11 बजे का एक कार्यक्रम रहेगा। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दो अन्य जो एक इनोग्रेशन के कार्यक्रम रखेंगे उद्घाटन के, जिसमें एक तो सोनीपत के अंदर सोनीपत पानीपत स्मालका इलाके को लेकर के जो कचरा है, कचरा से किस तरीके से बिजली उपलब्ध बनाई जा सके, कचरे के प्लांट को कैसे कचरे को जो है ठीक करके उसके लोग किस तरीके से उसे आगे उपयोग में लाया जा सकता है, इसको लेकर एक प्लांट की शुरुआत हो रही है सोनीपत के अंदर, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद इसी के साथ साथ अगर बात करें गुरुग्राम के सेक्टर 81 से 99 में एक रिहायशी क्षेत्र जो है उसमें जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे जिला कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में समस्याएं सुनेंगे लोगों की, ये गुरुग्राम के अपेरल हाउस में है। और उसके बाद आज क्योंकि गुरुग्राम में एक जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के सम्मान में एक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज 11 बजे से हो रही है, तो 4 बजे वो यात्रा जमालपुर पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गांव में, तो वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे, उस यात्रा में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी ठीक है, लेकिन दीपक आपसे एक और चीज यहां पे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कई बड़ी सौगात आज गुरुग्राम वासियों के नाम कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं और किस तरीके की रणनीति से कहा जा सकता है, क्या ये आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है, कई बड़ी सौगातें दी जा रही हैं? देखिए कई बड़ी सौगातें, हालांकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को तो काफी लंबा अभी समय बाकी है, लेकिन ये जो कई कार्यक्रम है इसमें अलग अलग क्षेत्र को जुड़े हैं, क्योंकि जो आज उद्घाटन के कार्यक्रमों की बात की जाए तो कुछ सोनीपत पानीपत स्मालका के प्रोजेक्ट हैं जिसका उद्घाटन रहने वाला है। इसके अलावा एक जो पानी की समस्या को लेकर के वो सेक्टर 81 से 99 क्योंकि नए सेक्टर बसे हैं, लेकिन आज भी वहां पर जल आपूर्ति को लेकर एक बड़ी चुनौती एक बड़ी समस्या भी है, तो उसको लेकर के एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के जो जीएमडीए का प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो ये एक नया प्रोजेक्ट के तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रखा जा रहा है, ताकि लोगों को ट्रैफिक अगर बात की जाए तो पोल्यूशन से निजात मिल सके, ये ई व्हीकल्स जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, ये तमाम कार्यक्रम है। हालांकि इसके बाद जहां तक भूपेंद्र यादव की जो जन सम्मान यात्रा है, क्योंकि हाल ही में वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, मोदी मंत्रिमंडल में नए शामिल हुए हैं और दक्षिण हरियाणा के जमालपुर के गुरुग्राम के जमालपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ एक उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।